नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स एंड एनिमेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। यहां इस वीडियो में हम चार्ज एक्सेलरेटर साइक्लोट्रॉन के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। साइक्लोट्रॉन क्या है? साइक्लोट्रॉन एक मशीन है जिसका उपयोग चार्ज पार्टिकल या आयनों को हाई एनर्जीज तक एक्सेलरेट करने के लिए किया जाता है। हाई वेलोसिटी वाले चार्ज पार्टिकल का उपयोग न्यूक्लियस पर बॉम्बार्डिंग करने के लिए किया जाता है। इसका आविष्कार ईओ लॉरेंस और एम एस लिविंगस्टन ने 1934 में एटॉमिक स्ट्रक्चर की जांच के लिए किया था। साइक्लोट्रॉन के वर्किंग प्रिंसिपल्स। नंबर एक, इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है। नंबर दो, मैग्नेटिक फील्ड में मूविंग चार्ज सर्कुलर पाथ में घूमता है। चलिए सबसे पहले साइक्लोट्रॉन के पार्ट्स को समझ लें। साइक्लोट्रॉन में दो मेटल बॉक्सेस होते हैं जिन्हें डीज कहा जाता है, जो थोड़ा गैप के साथ कुछ इस तरह से रखे जाते हैं। प्रोटॉन या कहें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कॉम्बिनेशन को दोनों डीज के बीच में रखा जाता है। डीज हाई टेंशन ऑसिलेटर के टर्मिनल से जुड़े होते हैं ताकि कई मिलियन साइकिल पर सेकेंड की हाई फ्रिक्वेंसी अल्टरनेटिंग वोल्टेज डीज के बीच में पैदा की जा सके। यह दोनों डीज इंसुलेटेड मेटल बॉक्स के अंदर बंद किए गए होते हैं जिसमें कम दबाव वाली गैस होती है। इन दोनों डीज को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बीच में रखा जाता है, जहां एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का साउथ पोल नीचे की तरफ होता है जबकि दूसरे इलेक्ट्रोमैग्नेट का नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ होता है, जो डीज के प्लेन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करता है और मैग्नेटिक फील्ड की दिशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होती है। साइक्लोट्रॉन कैसे कार्य करता है? इनिशियल स्टेज में एक पॉजिटिव पार्टिकल सेंटर में होता है। सेंटर में मौजूद पॉजिटिव पार्टिकल को उस समय नेगेटिव पोटेंशियल वाले डी के द्वारा एक्सेलरेट किया जाता है। इस प्रकार वेलोसिटी में तेजी के साथ पॉजिटिव पार्टिकल डी के अंदर दस्तक देता है। जैसा कि हम जानते हैं, गॉस थ्योरम के अनुसार किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव हमेशा शून्य होता है। इसलिए अब डी के अंदर पॉजिटिव पार्टिकल केवल मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के प्रभाव में है जो कि उसने गैप से गुजरते वक्त प्राप्त की थी। मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहते हुए लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल के अनुसार चार्ज पर फोर्स कार्य करना शुरू कर देता है और मैग्नेटिक फील्ड में पॉजिटिव पार्टिकल जीरो एक्सेलरेशन के साथ एक सर्कुलर पाथ में घूमना शुरू कर देता है। सर्कुलर पाथ में फिर से घूमने के बाद पॉजिटिव पार्टिकल डीज के बीच के गैप में प्रवेश करता है। जैसे ही पॉजिटिव पार्टिकल गैप में प्रवेश करता है, हाई टेंशन ऑसिलेटर पॉजिटिव पार्टिकल को तेज करने के लिए दोनों डीज की पोलैरिटी को बदलकर एक अनुकूल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रदान करता है। क्योंकि अब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव पार्टिकल के अनुकूल है, यह फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा एक्सेलरेट होकर अपनी वेलोसिटी बढ़ा देता है। अब पॉजिटिव पार्टिकल दूसरे डी में प्रवेश करता है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। पिछले गैप में ज्यादा वेलोसिटी प्राप्त करने के कारण इस बार पॉजिटिव पार्टिकल बड़े रेडियस के सेमी सर्कुलर पाथ में घूमेगा। जैसा कि सर्कुलर टर्न की रेडियस की इक्वेशन से पता चलता है कि पॉजिटिव पार्टिकल के पाथ की रेडियस पार्टिकल की वेलोसिटी पर निर्भर करती है। यदि वेलोसिटी बढ़ेगी तो रेडियस भी बढ़ेगी। हर बार जब पॉजिटिव पार्टिकल एक डी से दूसरी डी में एंटर करता है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कार्य करता है और पॉजिटिव पार्टिकल एक्सेलरेट हो जाता है, जिससे हर बार पॉजिटिव पार्टिकल की वेलोसिटी में बढ़ोतरी होती है। साइक्लोट्रॉन के काम करने की कंडीशन यह है कि हाई टेंशन ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी डी के अंदर पॉजिटिव पार्टिकल के रेवोल्यूशन की फ्रीक्वेंसी के बराबर होनी चाहिए। तभी जब भी चार्ज गैप से गुजरेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेलोसिटी की डायरेक्शन में होकर वेलोसिटी बढ़ाता जाएगा। आप एक प्रश्न पूछ सकते हैं, यदि रेडियस बढ़ाई जाए तो रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड भी बढ़ना चाहिए। लेकिन यह सच नहीं है, क्योंकि साइक्लोट्रॉन में पॉजिटिव पार्टिकल के रेवोल्यूशन के टाइम पीरियड की इक्वेशन पॉजिटिव पार्टिकल की रेवोल्यूशन के रेडियस से इंडिपेंडेंट है।
इस प्रकार पॉजिटिव पार्टिकल वेरी हाई वेलोसिटी के साथ स्पाइरल पाथ में चलना शुरू कर देता है, जब तक कि पॉजिटिव पार्टिकल डी की पेरिफेरी पर नहीं पहुंच जाता, जिसके बाद एक सहायक नेगेटिव इलेक्ट्रोड हाई वेलोसिटी पॉजिटिव पार्टिकल को बमबारी किए जाने वाले लक्ष्य पर डिफ्लेक्ट करता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि यह वीडियो वास्तव में आपकी मदद करता है तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको सूचना